क्लास सिक्स फ्रॉम लर्न वेल चैप्टर फर्स्ट नोइंग अवर नंबर्स लेट अस प्रैक्टिस 1.3। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 1.3 टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट पे है मे फॉलोइंग कन्वर्सन, यानी हमें जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं उसे हमें क्या बनाना है, कन्वर्स करना है। कन्वर्स करना है यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्स करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 11 kg 250 ग्राम है, हमारे पास कितना वेट दिया हुआ है, 11 kg 250 ग्राम। टू कन्वर्ट ग्राम यानी हमें यहाँ पे केजी पे दिया हुआ है, गिवन किस में, केजी पे। अब केजी के बाद तो वो तो एक्स्ट्रा उसमें ग्राम है, लेकिन हमारे पास तो क्या है, केजी है, ठीक है। और कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम में यहाँ करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट 1 kg हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल थोड़ा सा लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज आप मार्केट गए अपने पेरेंट्स के साथ क्या लेने के लिए, वेजिटेबल यानी सब्जियों को लेने गए, ठीक है। अब लेने के बाद आपको लेना है पोटैटो, ठीक है, पोटैटो ले लीजिए, टोमेटो ले लीजिए, कुछ भी लेडी फिंगर कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए हमको पोटैटो लेना है। अब हमने पूछा व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पोटैटो 1 kg, 1 kg का क्या प्राइस है, उनसे पूछते हैं ना कितने रुपए किलो आलू है, तो उन्होंने जवाब दिया 20 रुपीज़ पर केजी। अब मान लीजिए आपकी मम्मी सपोज़ आपको 15 रुपीज़ दी, बोली जाओ मैं दूसरे कुछ और यहाँ पे परचेस कर लूँ, आप ये 15 रुपीज़ लेके जाओ और 1 kg पोटैटो लेके आओ, 15 का जितना भी आ जाए आप ले लो। तो देखिए आपको शॉपकीपर 1 kg तो नहीं देगा, 1 kg देगा क्या, नहीं देगा, क्यों, क्योंकि 20 रुपीज़ पर केजी है। तो वो 15 रुपीज़ में कितना दे, श्योर है आपको 750 ग्राम देगा। अब देखिए केजी से आप कहाँ आ गए, ग्राम में आ गए, क्यों, क्योंकि केजी के पीछे जो होता है वो ग्राम होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अब चाहे आप 1 kg 20 रुपीज़ का लीजिए, चाहे 1000 ग्राम लीजिए, 20 रुपीज़ का ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए गिवन है हमारे पास यहाँ पे गिवन है 11 kg। अब ये तो पहले से ही ग्राम है, तो उसे हम क्यों टच करें, उसको तो ग्राम में ही कन्वर्ट करना है। तो 250 ग्राम को आप टच भी नहीं करेंगे, रहने दीजिए जैसा है, सिर्फ आप 11 केजी को कन्वर्ट करेंगे। तो 1 केजी में 1000, तो 11 केजी मींस 11 × 1000 ग्राम, तो कितना हो गया, 11 × 1 = 11, यानी 11000 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया एक्स्ट्रा 250 ग्राम, वो 250 ग्राम को इसमें ऐड कर दीजिए, तो टोटल आपका ग्राम हो जाएगा, कितना हो गया, 0, 5, 2, 11। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें प्लस क्यों किए, तो वो भी आपको बता देते हैं, हमको कन्वर्ट करना था केजी को ग्राम में, ये तो ग्राम पहले से ही है। अब 11 केजी कितना ग्राम होता है, 11000, और हमारे पास अलग से कितना ग्राम था, 250 ग्राम, हमने उसे ऐड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं इसी वे पे, 56000 सेंटीग्राम टू ग्राम। अब देखिए यहाँ पे सेंटीग्राम है, उसे कन्वर्ट करना है ग्राम में। अब आप सोच रहे हैं सर ये सेंटीग्राम तो हमको समझे में नहीं आता, ठीक है उसका भी उपाय आपको बताया दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा सेंटीमीटर तो आपको पता होगा, पता है नहीं पता, बिल्कुल पता होगा। अगर 100 सेंटीमीटर आपसे पूछे तो कितना होता है, 1 मीटर होता है, बोलिए हाँ ठीक है। अब ये जो 100 सेंटीमीटर है वो सेंटी को रहने दीजिए, और जो मीटर आपको दिख रहा है वहाँ ग्राम लिख दीजिए, आप समझ में आई बात, ठीक है। और ये जो यहाँ पे देखिए यहाँ मीटर को हमने ग्राम किया, तो यहाँ मीटर को हम क्या कर देंगे, 1 ग्राम, हो गया ना, मिल गया, सिंपल। तो 100 सेंटीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। अब हमें सेंटीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट 100 सेंटीग्राम, ये देखिए लिखे हमने
100 सेंटीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 सेंटीग्राम कितना होगा? 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 1/100 ग्राम। अब हमारे पास कितने ग्राम है, सेंटीग्राम कितने सेंटीग्राम है हमारे पास? 56,000। तो भाई सिंपल सी बात है, 1 पेन अगर 10 रुपीज का है तो 10 पेन कितना आएगा? 10 × 10 करते हैं तो 1 सेंटीग्राम का इतना है, तो हमारे पास कितना है यहाँ पे? 56,000 सेंटीग्राम है। तो हम क्या करेंगे, 56,000 सेंटीग्राम का इसमें इंटू कर देंगे, तो 1/100 × 56,000 ग्राम। चलिए ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आपके पास रिमाइंड हुआ? 560 ग्राम, यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए आते हैं थर्ड नंबर पे। 7 मीटर 75 सेंटीमीटर टू कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ये आपके सामने ही है अभी, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखिए मीटर में दिया है, हमें बदलना किस में? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो आप लिखिए, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सिंपल। अब हमारे पास मीटर कितना है? सिर्फ मीटर देखिए और कुछ नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर तो बदलना है तो उसे हम थोड़ी टच करेंगे, जैसे हमने ग्राम को यहाँ टच नहीं किया, तो सिर्फ मीटर को कन्वर्ट करिए। तो 7 मीटर कितना हो जाएगा? 7 × 100 सेंटीमीटर, यानी 700 सेंटीमीटर। और एक्स्ट्रा कितना है सेंटीमीटर आपके पास? 75 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 775 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। चलिए अब देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ में है 25,000 ग्राम टू किलोग्राम। देखिए यहाँ पे किलोग्राम था, हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, अब यहाँ ग्राम है उसे किलोग्राम में करना है, तो हम क्या जानते हैं? 1,000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है 1 किलोग्राम, हमें कन्वर्ट करना है ग्राम से किलोग्राम। तो ये बताइए 1 ग्राम कितना होगा? तो 1,000 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1,000 ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। ये हो गया, यानी 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है? 1/1000 किलोग्राम। अब कन्वर्ट हमें किस में करना है? हमारे पास 25,000 ग्राम है, तो वही बात हो गई ना, 1 पेन की प्राइस। तो 25,000 ग्राम कितना हो जाएगा? 25,000 × 1/1000, ये ज़ीरो, ये सेकंड ज़ीरो और ये थर्ड ज़ीरो, कितना आ गया आपका? 25 किलोग्राम। और वैसे भी हमें समझ में आ रहा है कि भाई 1 kg 1,000 ग्राम, तो 25 kg 25,000 ग्राम, तो 25 राइट आंसर। तो आपको फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू स्टिच अ शर्ट, यानी एक शर्ट को मतलब बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड, यानी एक आप शर्ट सिलाते हैं ना, कपड़े परचेस करके, कपड़े खरीद के फिर उसको सिलाना, उसकी बात की गई है कि एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड, हमें इतने कपड़े चाहिए। आउट ऑफ 38 मीटर 70 सेंटीमीटर क्लोथ, और हमारे पास कपड़े कितने हैं, मतलब कपड़े की जो लेंथ है वो कितनी है? 38 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो हाउ मच शर्ट कैन बी स्टिचेड, विल दे बी एनी क्लोथ लेफ्ट, और आपको ये भी बताना है कि क्या उसमें कुछ कपड़े बच गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो टोटल आप लिखिए, टोटल लेंथ, लेंथ ऑफ क्लोथ, यानी कपड़े की टोटल लंबाई कितनी है? 38 मीटर 70 सेंटीमीटर, इतने हैं, ठीक है। एंड स्टिच वन शर्ट, शर्ट नीडेड क्लोथ, नीड क्लोथ कितना? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात है कि
एक कपड़े में एक शर्ट बनने में इतने मीटर लगते हैं और हमारे पास इतने कपड़े हैं, तो बताइए हम कितने शर्ट यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन इसको करने से पहले आपको एक ट्रिक बता देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये आपकी बुक की प्राइस, जो आप अभी बुक पढ़ रहे हैं उसकी प्राइस 200 रुपीज़ 75 पैसे हैं। अब बताइए इसको आप कैसे लिखेंगे, या आपके एमआरपी में कैसा लिखा होगा, आपके एमआरपी में कैसा लिखा होगा ये रुपीज़ कुछ इस तरह का लिखा होगा, ₹200.75 लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। आप एग्री करते हैं, तभी तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब कहने का मीन्स है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, मान लीजिए शुगर का प्राइस, ठीक है, आप मार्केट गए और शुगर का प्राइस आपने पूछा कितने रुपीज़ पर केजी है, तो उन्होंने बताया, मतलब आप बहुत क्लोज है, हमने वहाँ से होलसेलर से लेके आया, हमको शुगर पड़ा है 42 रुपीज़ 50 पैसे, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए हमने रुपीज़ यहाँ किया, लेकिन पैसे को कैसे लिखे, पॉइंट के बाद लिखे, इतना तो आप देखे होंगे। अब आप बोल रहे हैं सर रुपीज़ का इससे क्या संबंध है, बिल्कुल है, मतलब यहाँ देखिए क्या लिखा है, 38 मीटर 70 सेंटीमीटर लिखा है, तो इसे हम क्या लिखें, 38.70 मीटर लिखेंगे, राइट। अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि जैसे आप रुपीज़ की बात देखिए, यहाँ पैसे लिखे हैं, यहाँ रुपीज़ है, हम इसको कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, पैसे कहाँ लिखे हैं, रुपीज़ के बाद ही हुआ। अगर हम आपसे बोलें जाइए पोटैटो 1.5 किलो लेके आइए, 1 kg 500 ग्राम, तो आप कैसे लिखेंगे, 1.500 kg, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसी को ना आप 1.5 kg बोलेंगे, भाई बाद वाले ग्राम को तो नहीं लिखते ना ग्राम, वो तो केजी में ही आता है, तो हम इसे भी ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसे सॉल्व करने का, ठीक है। अच्छा आपसे अगर ये बात करें कि 10 पेन, ये पेन जो है वो 10 पेन की प्राइस 100 रुपीज़ है, कितनी 100 रुपीज़, तो बताइए 1 पेन की प्राइस कितनी होगी, 10 रुपीज़ बोलेंगे आप, कैसे आया, तो आप क्या बोलेंगे, 100 में हमने 10 को डिवाइड किया, राइट, यही बोलेंगे ना, तभी ना 10 10 100 आएगा, यही बोलेंगे। अब आप ये बताइए, मान लीजिए यहाँ पे कपड़े की बात ना हो, टोटल अगर बोल दे पेन की प्राइस 100 रुपीज़ है और 1 पेन 10 रुपीज़ का आता, तो आप डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी तो डिवाइड ही करना है, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ क्लोथेस, भाई हमें ये बताना ना कितने कपड़े सिलेंगे, नंबर ऑफ स्टिच क्लोथेस, तो हम क्या करेंगे, टोटल से इसे डिवाइड कर देंगे, देखिए टोटल क्या था 100 रुपीज़ और 1 पेन की प्राइस कितनी थी 10, वैसे यहाँ टोटल कपड़े कितने हैं 38, तो आप लिखेंगे 38.70 मीटर अपॉन 2.15 मीटर, राइट, हो गया। चलिए अच्छी बात है, आपको इतना समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब आप ये भी जानते होंगे, आपको एक एक स्टेप भी बताया जा रहा है यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे लिखा है 2.57, अब हम बोलें कि पॉइंट आप हटाइए, तो आप क्या करते हैं, पॉइंट हटा के आप ये देखिए ये क्या नंबर लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, 257 बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अब पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने आपको डिजिट दिख रहे हैं, 2, तो अपॉन करके आप 2 0 यहाँ लिख दीजिए और 1 लिख दीजिए, देखिए कितने 0 आए, 2 0, ऐसे अपॉन में लिखते हैं कि नहीं लिखते, जब डेसिमल हटाना हो, तो इसका भी डेसिमल आप हटा दीजिए, तो अगर हम ये पॉइंट हटा दें तो हमें ये क्या दिखेगा, 38370 अपॉन पॉइंट किधर कितने डिजिट है 2, तो आप 2 0 कर दीजिए और 1 यहाँ पे लिख दीजिए, इतना आपका क्लियर हुआ,
सेम आप उसके नीचे वाले को करिए, पॉइंट हटाइए तो आपको क्या दिखेगा 215। पॉइंट किधर कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो अपॉन ये 20। अब देखिए अपॉन कितने हो गए, 4 हो गए। तो याद रखिएगा एक बेस्ट आपको रूल्स बताया दे रहे हैं, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ, 4 अपॉन आपको दिख रहे हैं। ये जो फोर्थ नंबर है ये फर्स्ट के पास जाएगा और सेकंड और थर्ड डिनोमिनेटर में रहेंगे। कैसे, 3870 के पास क्या चला गया, ये 100, और सेकंड में क्या है आपका 100 इंटू यहाँ पे क्या है 215। जो सेकंड और थर्ड है वो डिनोमिनेटर में रहेंगे और फर्स्ट और फोर्थ आपके न्यूमरेटर में रहेंगे। 100 से 100 कैंसिल, अब 215 को 3870 डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आपको 3870 अपॉन 215। अब 215 से 3870 को हम डिवाइड करते हैं, देख लीजिए 215 3870 डिवाइड करते हैं, 215 2 आपका 430 हो जाएगा, एबव है तो वन टर्म्स 215 2 7 और ये 1 और ये 0 और नीचे कर लीजिए 8 से जाएगा, आई थिंक 8 5 जा 40 4 रिमाइंडर, 8 1 जा 8 4 12 1 रिमाइंडर, 8 2 जा 16 117। अरे ये तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया, कितना आया आपका क्वेश्चन 18, तो इसे डिवाइड करने में कितना है 18, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, पूरी तरह से डिवाइड हुआ। अगर यहाँ कुछ बच गया होता तो उतने मीटर कपड़े बचे होते, तो 18 शर्ट्स आपके बनेंगे। इतने मीटर में कितने शर्ट्स बन गए, 18 शर्ट्स। तो आप लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ स्टिचेड शर्ट्स कितने, 18, यानी 18 शर्ट आपके इतने मीटर में बनेंगे। चलिए कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष आप जानते हैं शंकर जी का जो गले में मतलब रुद्र धारण करते हैं, गले में आप देखे होंगे रुद्र, रुद्राक्ष जिसे बोला जाता है, उसी की बात हो रही है। एक रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष कुछ इस तरह का दिखता है, कट्टा कट्टा रहता है, आप देखे होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे रहते हैं। तो उसका वेट है 40 मिलीग्राम, ये मिलीग्राम है, क्या है, मिलीग्राम, ठीक है। रुद्राक्ष वेट 40 मिलीग्राम। अब आप सोच रहे हैं सर मिलीग्राम फिर से नहीं समझ में आया, अब यहाँ पे बोला गया व्हाट विल बी द वेट इन ग्राम, ग्राम में बनाइए, अच्छा ठीक है मिलीग्राम आपसे नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं, मिलीमीटर तो जानते होंगे, अगर मिलीमीटर भी नहीं जानते तो भी आपको बता देते हैं, स्केल तो आप सभी देखे होंगे। स्केल में सबसे पहले आपको 0 दिखता होगा, 0 से यहाँ तक में आपका 1 रहता है, 1 के इसके बीच कितने लाइन होते हैं, 10 लाइन होते हैं, वो जो लाइन आपको दिख रहे हैं उसी को बोलते हैं मिलीमीटर, क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। अब ये बताइए यहाँ पे 10, हमने 10 मिलीमीटर लिया तो 1 सेंटीमीटर बना, बना या नहीं बना, बिल्कुल बना, हाँ या ना बना, ठीक है। अब ये बताइए हमको सेंटीमीटर नहीं चाहिए, यहाँ पे ग्राम है और मीटर में ग्राम को क्या बोलते हैं, मतलब मीटर को ग्राम बोलते हैं, सिंपल सी बात है, हम इसलिए बोल इसमें समझा रहा है कि आपको ग्राम में कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मीटर में आप जल्दी समझ जाएंगे स्केल से, ठीक है। अब इसी को अगर हम बोलें तो जैसे 10 मिलीमीटर है तो वहाँ आप 10 मिलीग्राम बोल सकते हैं, यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीग्राम बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब आपको इसमें नहीं समझ में आएगा, इसमें जल्दी समझ में आएगा। अब आप ये बताइए 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करिए मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, अब फिर आप कंफ्यूज होंगे, तो चलिए आपको बता देते हैं। पहले हम सेंटीमीटर को भी बदलते हैं,
तभी आप यहाँ पे पुट कर पाएंगे, नहीं तो ये सबसे हैवी भी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, यही ना होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, 1/100 मीटर। भाई मीटर में इसलिए बता रहा है कि आपको जल्दी समझ में आएगा, बस वो मीटर एग्जाम में ग्राम लिख दीजिए, समझ में आ गई होगी बातें, इसलिए आपको सेंटीमीटर में ज़्यादा समझ में आता है। अब देखिए जो 1 सेंटीमीटर है उसके जगह में हम 1 सेंटीग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/100 मीटर के जगह में हम ग्राम लिख सकते हैं, बदल गया। अब देखिए जहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा है वहाँ आप 1/100 ग्राम लिख दीजिए पहले से, तो 10 ये जो मिलीमीटर है वहाँ मिलीग्राम कर दीजिए, और 1 सेंटीमीटर है वहाँ लिख दीजिए 1/100 ग्राम, कन्वर्ट हो गया ग्राम में। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, वी नो दैट 10 mg, 10 मिलीग्राम इक्वल टू 1/100 ग्राम। अभी हमने एक्सप्लेन किया कहाँ से आया, तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं 10 मिलीग्राम, ये मिलीमीटर लिखे थे मिलीग्राम हमने कर दिया, इक्वल टू 1 सेंटीग्राम। तो यहाँ पे 10 मिलीग्राम है, 1 सेंटीग्राम के प्लेस पे हम 1/100 ग्राम लिख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने हमने किया। अब हमें चाहिए मिलीग्राम, हमारे पास तो 1 ग्राम चाहिए ना, तभी तो हम 40 का इंटू करेंगे, तो 1 मिलीग्राम कितना हो जाएगा, 10 का इंटू कर दीजिए, 10 को डिवाइड करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। भाई 1 मिलीग्राम कितना हो जाएगा, 10 नीचे आएगा, और यहाँ तो पहले से ही 100 है, इंटू 10 ग्राम, यानी 1 मिलीग्राम इक्वल टू 100 × 10 1000 ग्राम। अब क्लियर हुआ। और हमारे पास रुद्राक्ष का वेट किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, और हमारे पास कितना मिलीग्राम है, 40 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम का वेट कितना है, 1/1000 ग्राम, तो 40 मिलीग्राम का कितना हो जाएगा, 40 × 1/1000 ग्राम, ये 0 से 0 कैंसिल, 4/100 है, भी कितना है 4/100, बिल्कुल भी मत कट करिएगा, जैसा लिखा है वैसे ही रहने दीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कि ग्राम ऑफ नेकलेस कंसिस्टिंग ऑफ 108 सच रुद्राक्ष, हमें एक नेकलेस बनवाना है, यानी आभूषण बनवाना है या ज्वेलर बनवाना है, ज्वेलरी बनवानी है, जिसमें रुद्राक्ष 108 लगे हैं। कितने लगे हैं, 108 लगे हैं। वो होता है ना, माला जब बनती है तो 108 का माला फेरी जाती है, इसलिए 108 को लिया गया है। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 4/100 ग्राम आया, सॉरी 40 मिलीग्राम, यानी एक रुद्राक्ष का जो वेट है उसे हमने कन्वर्ट किया ग्राम में। अब हमें वेट ऑफ सच एस 108 रुद्राक्ष, तो 108 × और 1 रुद्राक्ष का वेट कितना है, 4/100 ग्राम, 4/100 ग्राम, चलिए इंटू करिए, 4 × 8 = 32, 4 × 0 = 3 रिमाइंडर, 4 × 1 = 4/100, देखिए अभी भी कट हो रहा है 2 से, बिल्कुल नहीं मत कटे करिए, क्योंकि 100 है तो पूरी तरह से कट हो तभी कट करिए, नहीं ध्यान से देखिएगा हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, हमने कई वीडियो में आपको बताया, हर एक नंबर चाहे कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में डेसिमल होता है। कितने ज़ीरो हैं आपके पास, 2 ज़ीरो हैं, इस डेसिमल को 2 बाउंस कर दीजिए लेफ्ट साइड, पहला डिजिट ये, दूसरा डिजिट ये, अब इसके पहले ये डेसिमल को लाके यहाँ पे रख दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। क्या हमें कट करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं। ये देखिए 2 ज़ीरो था, डेसिमल यहाँ पे है,
हमने उतने ही डिजिट काउंट करके आगे की ओर लेफ्ट की ओर इधर जाना है आपको, आप पॉइंट लगा दीजिए, यह आपका आंसर आ गया। यानी उस ज्वेलर का ज्वेलरी का वेट विथ रुद्राक्ष 4.32 ग्राम है, यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पोटैटोस वर पैक्ड इनसाइड, यानी बोरी में आलू को पैक किया गया, ठीक है ठीक है। ईच वेटिंग, जो उसका वेट है एक बोरी का 18 kg 500 ग्राम है, इतना क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ पोटैटोस पैक्ड सैक कितना, 18 kg 500 ग्राम, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गई बात, यानी आलू से भरी हुई बोरी जिसका वेट 18 kg 500 ग्राम है। हाउ मैनी सच सैक कैन बी लोडेड इन ट्रैक, एक ट्रैक, ये ट्रैक है मान लीजिए, अब ट्रैक तो हमसे नहीं आएगा, बनाते कैसे बनता है, चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। ये उसकी पहिया हो गया, ये पहिया हो गया, और ये उसका स्पेस है, ठीक है। अब इसमें हमको लोड करना है सैक को, आप देखे होंगे ना ट्रांसपोर्ट में बोरियां जाती हैं ट्रक के ऊपर लोड होगी, वैसे ही। तो एक बोरी का इतना वेट है, अब ट्रक को हमने बुलवाया, ठीक है, कि भाई इसको लोड करके आपको पहुंचाना है, तो बोले ठीक है भैया, वो आग लाके हमारे शॉप के पास लाके खड़ा कर दिया। अब हम बोले कि बोरी कित अंदर करना है, तो वो जो ड्राइवर है ट्रक का वो क्या बोलता है, भैया मेरे ट्रक में 3,182 kg तक आप बोरी या वेट तक भर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं भर सकते, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए, आपको हम बिना एग्जांपल के तो नहीं समझ में आएगा, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक सैक का वेट 2 kg है, थोड़े देख लिए आपको समझाने के लिए, एक सैक का वेट 2 kg है। अब ये जो ट्रक वाला है वो बोलता है कि भैया मेरे ट्रक में आप 10 kg तक रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे, आपको समझाने के लिए आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटी है, ट्रक की कैपेसिटी, ये बोलता है कि मैं 10 kg से ज़्यादा नहीं रख सकता, और एक बोरी का वेट कितना है 2 kg, तो बताइए इस ट्रैक में आप कितना बोरी रख पाएंगे। ऑब्वियसली आप 5 बोलेंगे, जल्दी आपको समझ में आ गया, आ गया नहीं आया, भाई 10 kg वो बोल रहा है रखने के लिए, तो 10 में हम क्या करेंगे, उस जो एक सैक है उसका डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल गया कि 5 सैक आएंगे, समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने टोटल से सैक का वेट को डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसमें टोटल कैपेसिटी कितनी है, इतनी है इस, और ये एक एक का इतना है, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी इन ट्रक किसमें रखना है, इसे ट्रैक कितना है 3,182 kg, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि कितने हम इसमें सैक को लोड कर सकते हैं, लोडेड सैक, तो हम क्या करेंगे, टोटल क्या है हमारे पास 3,182 kg से हम डिवाइड किसे कर देंगे, इसे। और अभी हमने आपको लिखने का रूल्स भी बताया था कि 18 kg 500 ग्राम को कैसे लिखेंगे, 18.500 kg,
ऐसे लिख लेंगे, सिंपल, कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। अब आप डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करने का भी आपको रूल्स बताएं कैसे, आप ये पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर तो कोई चेंज करना नहीं है, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, है 3 डिजिट, तो 18, और पॉइंट हटाएंगे तो आपको कैसा दिखेगा, 500, और ये 30 नीचे आ गया, और 1 को काउंट नहीं करते, ये बात याद रखिएगा, और ये 1000 कहाँ चला जाएगा, टॉप में ऊपर, तो कितना हो गया, 3182 इंटू 1000 अपॉन 18500, ये आ गया, 00 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 10 है, तो 5 से कट करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 रिमाइंडर 5 7 जा 35। चलिए अब 37 को डिवाइड करते हैं 3 1 8 6 8 2 से, ठीक है, तो 37 में आपका 8 टाइम्स जाएगा, 8 7 जा 56, 8 3 जा 24, और 29, 8 8 16, 10 minus 9 1, और ये आपका कैंसिल, 18, ये 2 आ गया। अब 6 टाइम्स, 7 7 6 जा 42, 4 रिमाइंडर, और 6 3 जा 18, 18 वेट आ गया, 6 7 जा 42, 4 रिमाइंडर, 6 3 जा 18, माफ़ कीजिएगा हमने यहाँ पे माइनस रॉन्ग किया, 8 minus 6 2, और 11 minus 9 2, 22, ठीक है, 8 7 जा 42, 4 रिमाइंडर, 6 3 जा 18, 4 22, ये आपका कैंसिल, कितना है, 86। अब हमने इसे कट किया तो 86 आया, तो यानी 86 इंटू यहाँ पे अभी 2 है, 6 2 जा 12, 1 रिमाइंडर, 6 2 8 जा 16, 117, 172 सेक्स आप लोड कर सकते हैं उस ट्रैक में, यह आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5 नंबर देखते हैं, 5th नंबर, द पॉपुलेशन ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली वाज 1,37,28,345 इन 2010, तो पॉपुलेशन इन दिल्ली, सॉरी ऑफ दिल्ली इन 2010 में कितना है, 1,37,28,345, इट इंक्रीज्ड बाय 15,24,215 इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी 2010 चल रहा था, 2 साल के अंदर इतने लोग और इंक्रीज हुए, इन इंक्रीज्ड बाय 15,24,215, शायद वो बर्न, मतलब बॉर्न किए होंगे, जन्म लिए होंगे, या कहीं से आए होंगे, जो मतलब नागरिकता ले लिए हों दिल्ली में, कि हम वहाँ रहेंगे और वोट देंगे, ऐसे लोग आ गए, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स मतलब 2012 तक के लिए, सो इंक्रीज नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2 ईयर्स मतलब कहाँ से कहाँ तक की बात है, ये 2011 2012, अब कितने लोग आ गए, 15,24,215 इतने लोग आ गए। नेक्स्ट आल्सो 12,50,360 पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम दिल्ली आइदर टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया, वही बात हो गई ना, और टू फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब मान लीजिए कोई दूसरे कंट्री से आ गया, देखिए दूसरे कंट्री से आ गए, कुछ अदर सिटीज से आ गए, कुछ अदर स्टेट से आ गए, अदर लोग भी कितने आ गए, 12,50,360, ठीक है,
तो ये कहाँ से आए हैं? अदर सिटीज, सम पर्सन्स, ऐसे लिख लेते हैं, सम पर्सन कम फ्रॉम अदर सिटीज आर स्टेट, ऐसा लिख लेते हैं, एंड ठीक है, आर कंट्री, मतलब सिटीज से आ गए, कंट्री से आ गए, स्टेट से, कहीं से भी आ गए, तो कितने लोग आ गए? अदर 12,50,360 पर्सन। तो बताइए टोटल 2012 में कितने लोग हैं? तो सबको ऐड तो करना है, सिंपल। ये 5 5 10 6 4 10 1 11 1 12, ये हो गया आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, हमने यहाँ पे थोड़ा सा रीड नहीं किया अच्छे से। यहाँ पे ये बोला गया पॉपुलेशन ऑफ न्यू दिल्ली, ये तो राइट है, नो डाउट। इट इंक्रीज्ड, ये भी राइट है, नो डाउट, इंक्रीज्ड हुआ यानी ये प्लस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर आगे क्या लिखा है, एंड आल्सो 12,50,360 पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से बाहर चले गए किसी कारणवश। यहाँ पे यही डिस्कशन है यहाँ पे कि वो अदर कंट्रीज चले गए उसी पीरियड पे, मतलब इतने लोग दिल्ली से बाहर चले गए, तो हमें यहाँ पे इसे ऐड नहीं करना था, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, इसे बाद में करते हैं, पहले ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसे कट कर लें। 5 5 10 4 1 5 3 2 5 8 4 12, 1 remainder 2 2 4 1 5 7 5 12 3 1 4 1 5, और ये 1,52,560 हो गया यहाँ पे, 4 1 5 1 6, ठीक है, इतने हुई है टोटल दिल्ली से। अब यहाँ पे हमें लिखना है सम पर्सन आउटसाइड, इतना बस लिख दीजिए, आउटसाइड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली दिस पीरियड, मतलब उसी पीरियड में कुछ लोग बाहर चले गए, तो 1,52,560 से उसे माइनस कर देंगे, कहाँ पे गए, 12,50,360, चलिए इसे माइनस कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा 0 6 -6 0 5 -3 2, और ये आपका 2 5 -5 0 5 2 -2 0 5 -1 4 1 1 लैख 1,40,02,200 पीपल्स जो हैं वो दिल्ली में अभी प्रेजेंट पे हैं 2012 तक, ये आपका आंसर है, क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेब्री ब्रेंटी क्लासेस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।